हेलो गाइज, राम राम भाई सब ने। और मैं चाली कीर्तन में, कीर्तन है हमारी लाइन में, जाके आऊँ थोड़ी देर, भगवान का नाम लेके आऊँ। और मैंने सूट पहरा है जामनी कलर का, तो उस साइड जाऊंगी और सिलाई का काम करा, घर का काम करा, फिर नाई, फिर आई मेरे पड़ोसन। तो काफ़ी टाइम हो गया, जा 12 बजे चली गई थी, 3 बज रहा है, नहीं बोली आज ही। मैं बोली मैं थोड़ी देर आऊँगी, ज़्यादा देर ना आऊँ। तो ये चाली हूँ मैं 3 बजे, और मैं देखूँगी कीर्तन ख़त्म भी हो गया होगा, ख़त्म होया है ना होया है, तो ना होया होगा तो थोड़ी देर सुन लिया, ख़त्म हो गया होगा तो वापस आ जाऊँगी। तो चलते हैं। तो ये कीर्तन चलता पाया तो मैं तुमने दिखाऊंगी, कोई डांस करती होगी तो चल रहा है वैसे ही, तो ढोलकी की आवाज़ आवे है, कोई डांस करती होगी तो तुमने दिखा दूंगी ना, फिर वापस घर आके मिलाऊंगा। नाचा तो ना चुना जाए तो कती भी। तो गाय जा ली मैं कीर्तन में, तो प्रसाद ले आई हर मंजू आई है, और मैं इम नाचू थी, मेरा सांस चढ़ गया। इम कई दिन हो गया ना नाचा को, नहीं जल गया सांस ले, प्रसाद ले ले, कच्चा पेड़ा दे रखा। अभी बनाएंगे चाय और चाय पियेंगे। मैं पतली सी कामड़ी की तो पतली रह रही सुमान है। हाँ सुटो तो फिर भी तुम पेट ना दिखा, कई सुटा हम ज्यादा दिखा करे, ये चार जेट का तो सूट सेम रखे है ना, मैंने पूछा है बिना दिखा ना चार इतना ना चार इतना भी ना हम भी ना गीत आवे ना नाचन आवे। ये भी डिजी चाय ले गया, डेक चाय ले गया, सब गाना पसंद हो रही कौन गीत का आज का गाँव तो देख ले, गीता में जाऊंगी ना लुगाई भी डीजे खड़ा कर देंगे तो बैठ के लेके आ गई, कोई गीत गाँव ही कोई नहीं, डीजे बाजी ही एक तो स्टेप ही ना पहले न्यू टाइम था ठीक है ना चाय को न्यू मैं तो नाची इनका दे तो ही नाचिया करती ना चाय देगी तम दे हम न्यू टाइम ठाके नाचिया करती बबली शुरू में जब मैं कमांडो बनाते थे बबली तेरे पाव सिखाए हमने, तो तेरे पाव के एक्शन कराया करती है बनी उठाती है नाचती है जनी करती है या नाच नाचा जो दिया टांग उठावे या सिखा ये मन्ने ना ठानी आवे। तो गाइस प्रसाद खा लियो, पेठा खा लियो और मंजू ते मिल लियो। रेन्यू चेक करना है मेरा सूट सीम दिया गया, मैं देखना आई हूं मुको कदे सा और ना का सीम की और मैं पर मैं भी पक्की हूं मन कति नहीं सीमया, ये बच गया मेरा और मंजू का सिलना, दोनों का सिल लूंगी, ये काटूंगी इसकी सलवार, फिर लाऊंगी इसके सूट की अस्तर, मेरा ब्लाउज सिल लूंगी। ब्लाउज तो मेरा भी तो सा है, तेरा भी सिल लूंगी। नमस्ते भाई राहुल। तो बनाते हैं चाय।
ए मैं गलती तो बोल जाऊं हूं ले काट इसने देख इनमें क्या आयो है। ये उधर सोनिया ने ऑर्डर करया था मीशो पे वो मंगवाया था एक दो बाथरूम में लगवाण खातर तो खोल के देख ले तेरे आगे आ जाऊंगा इसके आयो से इसमें किम? अच्छा ये टोकरी सी, ये टोकरी सी बाथरूम में लग जाएंगी न्यू और इनमें सामान रखियो जागो है। मैंने तो स्टील को ही मंगवा के टाकरा ये नीचे पक्के ने इन में ये कुंडा सा गल्या जाऊंगा ये कुंडा मैंने स्टील को स्टैंड ले रखियो और ये साथ में दो लागूंगा इसमें इसमें वैसे हैंगर खुटी सी पे कितना का मंगाया आए ऑनलाइन कर दिया था पैसा ये 500 का था कै का था इस पर लिख भी तो रखा हूँ पर्ची पे मेरे को। तो भैया अभी एक सलवार सिल ली है इब रोटियां की तैयारी करूंगी। ये सारा कपड़ा धोया था काल शाम ने और आज इनकी तय करूंगी या सलवार सीम दी मैंने मंजू की मंजू जाली ब्लाउज मेरा काट दिया एक सूट और लिकड़ के आया करवा चौथ मैं तो सोची सील दिया नाप देखना पड़ेगा किस किस का और रह गया। मैंने ब्लाउज कटिंग कराया है मेरा इतना कम कपड़ा था ना तो बाजू एक कौन आता ही बनी ना ब्लाउज का पार्ट में भी जोड़ लगाना पड़ेगा थोड़ा एक कपड़ा दे रखा था वो पीस अलग तो जोड़ रखा था साड़ी में तो कटिंग तो करूँ ही ना तो थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग कर लूँ ही तो अब समस्या यह होगी उसमें जोड़ लगाना पड़ेगा देखूंगी नीचे जोड़ लगाऊं या ऊपर जोड़ लगाऊं और ईब मैं बढ़ू हूँ रसोई में 8:10 होगी बर्तन भी पड़े हैं चाय पानी का काजल फैल के करो रहा है दीदा और सब्जी बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी उसके बाद फिर देखूंगी के सी लूँगी और इतने मेन्यू चेक कर ली हूँ डायरी में सूट तो फिर मैंने कित कित दाब रखा है न्यू चेक कर ली हूँ किस किस का रह रहा हूँ। एक जने का तो एक फोन आया मेरा सूट सीम दिया मैंने याद है को नहीं उसका सूट टेबल के नीचे घुस के नरा बना भूल रही हूँ तो ये उसका फटाफट काटा कॉल सीमूंगी एक आधी का और देख ली हूँ कदे कोई भूली चुकी रहेगी और फिर पूछा है सूट सीम दिया हमारा तो मैं नाप चेक कर ली फिर याद आ जाएगी किस किस का सूट है। और अभी मैंने खाना बना लिया मैंने बनाए हैं दाल और ये चावल मीठे चावल सौंफ वाले तो मीठे चावल मैंने अच्छे लगा रहे सौंफ वाले जे तो मैंने दाल चावल बनाए हैं काफ़ी टाइम हो गया 9:30 हो गया 8:10 पर किचन में बड़ी थी बर्तन साफ करा सारा और दाल बनाई चावल बनाया अभी मैं खाती हूँ खाना बाद में मिलती हूँ तो गए जाप भी खा लो। और ईब हो चुका अगला दिन सुबह सुबह का टाइम है और ज़रूरी काम तो जाना पड़ा गांव में तो सारा काम छोड़ छाड़ के वो ही सूट डाला फटाफट बिना ही नाए और बैठ ली गाड़ी मेरी जान लग रहा है गांव में। गाइज मैं पहुंच गई गांव में जरूरी काम था तो आना पड़ा श्याम ने वापिस जाऊंगी अभी श्याम हो रही है देखूंगी कितनी देर में जाऊंगी। अरे ये हमारी मानू आई से देखो ट्यूशन पढ़ के आओगी बिया ये बिया नहीं कह सकता ही राम राम ये पढ़ के आओगी के तू और ये देखो टिंडा कट्ठा कर रखा सही इतना अरे ये बाड़ी रह रही है बतो चुगनी तो मैं सुबह आ गई थी आज मैं पहुंची अचानक चालनों पड़े और मैं चली 11:00 मैं 2:00 पहुंची जल्दी जल्दी आके थोड़ी देर आराम करे ही बज रहा है 5:00 और शाम नहीं सोचूं वापस जाने का क्यों मेरा पूरा काम ना होया है मैंने इमरजेंसी में आना पड़े और बरतालिया का सूट पड़ा है इब तो जानू पड़ेगा ना मानू वापिस है न नहीं तो फिर होगा ना कि फिर वेन्यू कहीं करवा चौथ का सूट दे दे मारा है जद और देखो
काम खेती का चल रहा है, कोई बाजरा काटा है, कोई कड़वावे है, कोई ग्वार काटे है, और ये टिंडा तोड़ तोड़ी न इकट्ठा कर रखा है, ये काट देंगे। ईब सरोज करने लग गई भैंस का काम है। मनु तू कहाँ गए लाई से बेटा? और जानवर से इसमें वह छोटा 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 जानवर बोलो वह के बोला अरे उनने के बोले अरे छोटा छोटा जिनावर है हाँ कालिया बूंदिया तरगन बहुत गणावे हैं। रात ना आता हूँ लाइट का चांदना सरोजनी अलग रही सानी गेर है बस यहाँ कर बड़ा कम बड़ा कमरा में कौन आवे है मनु तो वही नया बाल कटवा है नया का बाल काटूंगा कितना कितना काटूंगा मतलब ये जल्दी से जल्दी रास्ता हो रहा है थोड़ा सा इतना बाल काट दिया देखना काट दिया बहुत और काटूं बहुत बस तो काट दिया मैं तो एक बार में ज्यादा बाल नहीं रहे। देखो भाई मारी छोरी पड़ा सही बैठ के न बहुत सियाणी छोरी से इन बालन तो संभाले कान का गल न टांग ले और नहीं चिमटी ला लिया कर और मैं ये चाली मुड्डी लेके उड़ सी बैठूंगी टिंडा दौरे वह बैठी से बुआ दयामती और मेरी सासू उनकी सुनूंगी थोड़ी देर बाद। ये देख ये बुढ़ा है ना घर में ये न्यू काम आऊ सा नौना कूणा बैठा दे ये लग गया रे टिंडा काट है जो करे तेरी मारो के करूं तारो यू करन दा यो करी कर तारी वीडियो बनाऊं और मार के कर रही तू तो वीडियो जद बनाऊं कि नयो काम करो कि ते नाचो कि ते कूदो हैं नाचो क्यों करना चाहो सर काओ तारी मुडीन थोड़ी सी बुढ़िया को यो सर वे छो ने मारी लेती ये गाड़ी घणी अड़ा दी के तो आन थोड़ी सी पछ सर काओ वो काम भी करके ना कट्टा था कट्टा हैं न चाहो कि ले वो काम भी करके दिखा देगा न चाहवा है। मैं ये कीड़ा केड़ा बहुत हो रहा है ना इनका तो कौन ही इनका कम से नहीं तो खाई दिंदा मच्छर खा जा और ऐसा पूरे से घेर लिया अपने टावरन बोल दियो मन ने तो दे दे भूखी मर ली ना भाई ले ले तू प्लेट में रोटी सब्जी गाल के लिए आई हूँ जल्दी ठंडी हो जाए और दूध गाल के लिए आई हूँ रिया देख लो गाई जी रोटी बनाओ हर मन तो रोटी भी को देन तड़का टाइटल में न्यू लिखूंगी जेठानी ने मार दी भूखी रोटी भी ना दी ऐ आ जान मेरे ताई रोटी ना दई भूखी मरा दी कती चटनी लियाऊंगी लिया रही है के उरे दरियो है हर लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा गाँव है गोरी मुंह ढकना पड़े। तो भैया अभी मैं खाऊंगी रोटी मेरे को लगी है भूख चटनी के साथ खाऊंगी पर मैंने सब्जी भी डाली है जमाई गर्म है तो मैंने प्लेट में डाली ताकि जल्दी तक ठंडी हो जा और के बिछाऊं क्या पे बैठूं रे सी कोई पाटड़ी को नहीं के ये तो खड़ी है पाटड़ी ये भीतर एक बार मैं पाटड़ी लेने जाओ बिगड़ा सारा बल्लब कनी चौर है भूंडा हूं सवेर न्यारा अरिया बनावे है चूल्हे पर रोटी और कथर देख लियो किसी ने मंगवाना से तो ऑर्डर कर दियो ले आऊंगी गाल ले आऊंगी ये तो काट काट सुखाऊं सासु को वे क्यों भरियो ये क्यों भरियो ओ एक और भी भरियो से यो ए भगवान तारकन तो इतना पड़ा से शहर में मुसिया मरे हैं लोग है मन ने जो तड़का सारा गुड़गांव में बाट क्या होंगी पाटड़ी की छ यो चिप गयो चम्मच के यो भी दूसरा हाथ ना लगा लूंगी इतना गल है नहीं
एक हाथ में मैं पकड़ रही हूँ फोन, फोन में धरना पड़ेगा। गाइस खा लो मक्खन सब्जी चटनी और ये दूध, सारी चीज मैं साथ ही खा लिया करूँ। इवन यू मत कहियो फलानी चीज कौन खाए करें, दिकड़ी कौन खाए करें। ले भाई रोटी ली खा, बालकान खा ली और सरोज ने बना ली। इव लेगी अंदर उठा के मैं ले जा सुयोगी और बड़कन भी खा ली। बड़ा बड़ा रह रहा है, इसकी दादी तो टिंडा एक लाग रही वह तो मारी खा गई, कमा के छिकलेगी जब खा गई। और ये बच्चा की करे है, यह फोन देखने लाग रही है नया तो, और वह देखो फोन में ही वह बढ़ रहा है दोनों। इसकी दादी बाहर टिंडा काटे है। ओह लाइट को अरेंजमेंट भी करवा रही है, लाइट फराटा गर्मी हो रही है। यो ब्लश है कि? यो ब्लश है, ये मेकअप किट है भाई मेरी, देखो पूरे अलमारी में धरी थी, या नया खोल रही है। इतनी सुंदर किट है या न्यू बंद हो जा है पूरी बड़ी और न्यू खुल गया है, सारा सामान आ गया है। और ये सारा सामान इस इनकी डेट जाली होगी, मैं यूज ना करया करूं इन्हें। तो आई शैडो की आने की डेट जाती है, आई शैडो की नहीं आ, ये चिमकला चिमकला तू गल्ला लगाई बैठ जा देख, यो मेकअप तार खातर है, ये वो लगाने खातर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने खातर, ये संभाल के रखूंगी। ये सारी लिपस्टिक थी, देखिए हेयर स्टाइल बनाया करती दीदी, ये मरी मरी सी पिन वाला हम दिखती को नहीं करती, जीरो साइज की है ये। प्राइमर सीसी देख के सुतरी, नाम तो मन ऑलमोस्ट कवर है, बस मेकअप ही ना करना है। या लिपस्टिक लाइट सी कलर की थी, या किसने दी थी मेरे ताई कदे रे नु दी हो, हां कलर चेंज होए कुछ होए से, यो तो डियोर है, डियोर है ऐसा होए, डियोर मतलब ब्रांड है, बहुत बहुत महंगी ब्रांड है, तो ब्रांड की है से तो या वेरो के की होगी, ए या 4-5 हजार की लिपस्टिक होगी, या मैंने रेनु देखी गई थी या ने खत्म है पाचे बुरुस तो लगाएडी या इतनी या बुरुस साथ निकाल निकाल लाएडी है, ये 4-5 हजार की होगी, इतनी ब्रांड की लिपस्टिक ने न्यू कौन छोटे थे आर्मनियो कार्ड लियो चूड़ो रेड कलर को मिल गयो।